रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अरशद बर खाकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद खाकी व्लॉग के नाम से। डियर व्यूवर्स, आज आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ अड्डे पे पेट्रोल लेने के लिए। आवाम की खिदमत के लिए हमने यहाँ रखा हुआ है अपनी शॉप के ऊपर पेट्रोल। तो अभी हमारा इरादा था कि हम यूनिट लगाएं पेट्रोल का, लेकिन हम यूनिट नहीं लगा पाए क्योंकि अभी हमने एक सोलर ट्यूबवेल लगवाया है, तो काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट हमने वहाँ पे की है। तो इंशाल्लाह कोई 3-4 माह तक हम लगवाएंगे इंशाल्लाह यूनिट पेट्रोल का। फ़िलहाल हम लोग जो है अपनी जो शॉप के लिए जो पेट्रोल लेके आते हैं वो लेके आते हैं बोतलों में, लीटर 1.5 लीटर की बोतलों में। वहाँ से जो है 7-8 हज़ार का ले लिया, बोतलों में डाल के आ गए और यहाँ आके बोतलों से, बच्चे भी अगर दुकान पे बैठे हों छोटे तो वो भी बोतल से जो है पैमाने के अंदर माप के वो दे सकते हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको हम अपनी बाइक जो हमने शॉप के लिए मुख्तस की हुई है, वो हमारी ये रही शॉप जो हमने जो है शॉप के लिए मुख्तस की हुई है। ये हमारी एक चाइना वाली जो है वो शॉप है, वो बाइक है, और उसके पीछे एक कुर्जीन खड़ी है और कुर्जीन के अंदर आपको नज़र आएंगी बोतलें। ये देखें डियर व्यूवर्स, ये सामने रही बोतलें, इन बोतलों में हम लेके आते हैं पेट्रोल। तो जैसे हमारा पेट्रोल ख़त्म होता है तो ये तकरीबन इतनी बोतलें हैं कि इसके अंदर जो है 7 से जो है 8 हज़ार का पेट्रोल आ जाता है। जैसे ये ख़त्म होने के करीब होता है तो हम और जो है पेट्रोल जो है उठा लेते हैं। तो डियर व्यूवर्स, अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल लेने के लिए अपने अड्डा बलोचा पे। तो अभी आपको जो है अड्डा बलोचा का भी जो है पेट्रोल पंप का भी नज़ारा दिखाएंगे। माशाल्लाह हमारे इलाके के अंदर काफ़ी अच्छा जो है पेट्रोल पंप जो है बना हुआ है वहाँ पे, और वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और बड़े इखलाकी किस्म के लोग हैं, माशाल्लाह हमारा दिल मोह लेते हैं। तो हम लोग जो है अभी जाने लगे हैं उसकी तरफ, पेट्रोल पंप की तरफ। और ये सारा हमारे सामने एक दोस्त जो इस वक्त जो है रिक्शा पे जा रहा है, उसके ऊपर लकड़ियाँ वगैरह लाद के उसने हमें सलाम किया है, हम उसको देते हैं सलाम का जवाब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि हम लोग बना रहे थे इधर व्लॉग, जिसकी वजह से हम उसको सलाम का जवाब मौके पे नहीं दे पाए। तो ये माशाल्लाह हमारा गांव है, बहुत अच्छा और प्यारा गांव है। आपको ये देखें सरसब्ज खेत वगैरह, सरसब्ज दरख्त वगैरह भी नज़र आएंगे, और यहाँ पे वो एक देहाती माहौल है। जैसा कि देहातों में जानवर जो है वो कमरों में नहीं बांधे जाते, बल्कि बांधे जाते हैं वो दरख्तों को नीचे। ये सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आपको जानवर जो हैं दरख्तों के नीचे बैठे हुए नज़र आएंगे। और अभी चलते हैं हम लोग जो है पेट्रोल लेने के लिए वहाँ अड्डा बलोचा की तरफ शॉप के लिए पेट्रोल। तो डियर व्यूअर्स, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपको और भी जो है पेट्रोल पंप का नज़ारा दिखाएंगे। मैं जा रहा हूँ अड्डा बलोचा की तरफ। ये हमारे भाई साहब खड़े हैं, वो लगा रहे हैं खेतों को पानी। अभी जो है वो जो है खाले के ऊपर जो है नाले को बांध रहे हैं, क्योंकि वो लेके जा रहे हैं पानी और ये लगा रहे हैं खेत को पानी। इस वक्त जो है इनके ये सामने वाले खेत में तो पानी मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में आगे पानी लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इस वक्त हमारे गांव के अंदर काफ़ी सारे जानवर वगैरह जो हैं वो भाई साहब यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये इतने सारे जानवरों के साथ मौजूद हैं दो बंदे इसकी करेंगे लुक आफ्टर। ये सामने जो है आपको नज़र आ रहे हैं इतने ज़्यादा माशाल्लाह जानवर हैं, लेकिन इसकी लुक आफ्टर करने के लिए जो है फ़िलहाल जो है दो बंदे मौजूद हैं और एक इनका साथ डॉगी भी है, वो काफ़ी जो है लुक आफ्टर करता है। इस वक्त ये शुरू हो गए हैं क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा फ़िश फार्म हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रकबे थे पहले इतनी खासी अच्छी पैदावार नहीं देते थे, तो यहाँ पर उन्होंने बना दिए हैं फ़िश फार्म। और जो है यहाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह फिश की जो है काफ़ी अच्छी जो है पैदावार आ रही है। और ये हमारे एक भाई साहब हैं, खान साहब हैं, उनका ये डेरा है यहाँ पे, उन्होंने ये वैसे बहुत ही अच्छे किस्म के जो है दरख्त लगाए हुए हैं, और उनका ये जो ट्यूब वेल है वो यहाँ पे जो है चल रहा है। और साथ में ये भैंसें इस वक्त जो है फिश फार्म के अंदर जो है वो मौजूद। अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे पेट्रोल पम्प पे, जहाँ से लेते हैं हम लोग पेट्रोल। और ये सामने माशाल्लाह पेट्रोल पंप की साथ एक प्यारी सी मस्जिद, और ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से हम जो है हर हफ्ते हर दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है यहाँ पेट्रोल लेने आते हैं, क्योंकि जब तक हमारा पेट्रोल का यूनिट नहीं लगता उस वक्त तक जो है हमें यहाँ से जो है पेट्रोल लेना पड़ेगा। तो यहाँ की जो पेट्रोल की टीम है, यहाँ के जो मालिक हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे अखलाक के मालिक हैं। तो अभी हम लेते हैं पेट्रोल यहाँ से।
आज हम लोग जो पेट्रोल पंप पे आए थे, आज आपको रीडिंग में दिखा रहा हूँ। इस वक्त हमने लिया है 6050 रुपये का पेट्रोल, और ये हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, यहाँ पे काफ़ी अच्छे इखलाक के मालिक हैं, और ये हमारे यहाँ पे हैं। अभी आपकी बात इससे करवाते हैं कि आपकी रोज़ाना की सेल कितनी होती है। हमारी 600 लीटर हो जाती है। 600 लीटर हो जाती है, तो माशाल्लाह आपके जो यहाँ पे पेट्रोल का मेयार है वो कैसा है? अच्छा है। अच्छा मेयार है आपका। डीजल और पेट्रोल दोनों दोनों की सेल काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आपका जो पेट्रोल पंप है कौन सी कंपनी का? बी एनर्जी वाला है। तो इसकी जो पेट्रोल की जो एवरेज है वो कैसी है? अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। चले माशाल्लाह, आप लोगों को खुश रखे। मुझे भी तकरीबन यहाँ आते हुए तो तकरीबन साल डेढ़ साल हो गया है, तो यहाँ का जितने भी यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ का इखलाक भी अच्छा है, और इनके जो मालिक हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है, वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे इखलाक के मालिक हैं। तो हालांकि रास्ते में एक और पेट्रोल भी आता है, लेकिन इन लोगों ने हमारा दिल लिया मोह, इस वजह से हम किसी और पेट्रोल पंप पे जाते नहीं हैं, तो हम आते हैं इनके पास। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।